बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अल्मोड़ा में कैंट क्षेत्र से मुख्य बाजार और शिखर तिराहे तक रोड शो किया। इस अवसर पर भारी संख्या में महिलाओं ने उन पर पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। इसके बाद उन्होंने साथ संवाद किया और हवालबाग विकासखंड के खेल मैदान में आयोजित आजीविका महोत्सव का शुभारंभ किया। इससे पूर्व उन्होंने विकास प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया और सिलबट्टे में पहाड़ी नमक भी पीसा। इस दौरान मुख्यमंत्री ने 117 करोड़ की योजना का लोकार्पण और 85 करोड़ की योजनाओं के शिलान्यास के साथ ही कई घोषणाएं भी की। मौके पर उन्होंने कहा कि आजीविका महोत्सव महिलाओं को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने का माध्यम है। आजीविका महोत्सव के माध्यम से महिलाओं को एक मंच मिला है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी महिलाओं को आगे बढ़ाने का विजन है। आज का महोत्सव ये हमारी जो मातृशक्ति है, उन मातृशक्ति के उत्थान का एक महोत्सव है। उनको आगे लाने के लिए, रोजगार स्वरोजगार से उनको जोड़ने के लिए, उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए और अपने पैरों पर मजबूती से वो खड़े हों, इस निमित्त पूरे उत्तराखंड के अंदर हमने प्रत्येक जिले में इस प्रकार के मातृशक्ति के महोत्सव किए हैं। और जिस प्रकार से आज हमारी मातृशक्ति लगातार प्रयास कर रही है, परिश्रम कर रही है और अनेक प्रकार के उत्पादों का निर्माण कर रही हैं, उनको एक मंच मिले, उनका प्रोत्साहन हो, उनका उत्साह बढ़े,